हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और गाइस, आज मैं आपको इस फोटो को एडिट करके दिखाऊंगा ब्लू एंड ब्लैक इफेक्ट में, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड इस फोटो को गाइस हम स्नैपसीट से एडिट करेंगे, जिस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने नॉर्मल फ़ोटो था तो कुछ इस तरह का था हमारा फ़ोटो, एंड ये कैमरे से क्लिक किया है। गाइस, ये फ़ोटो उतना अच्छा नहीं आया था जितना मुझे लग रहा था कि ये कैमरे से इतना अच्छा आ जाएगा, लेकिन क्या करें यार, अब ऐसा फ़ोटो आया है। तो इसको हम अच्छे से एडिट करेंगे एंड बहुत ही कमाल का बनाएंगे, तो वो करेंगे हम स्नैपसीट एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब भी अपना इस तरह का फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो ओपन कर लिया है। अब इस फोटो को हम सबसे पहले शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद गाइस इसको हम करेंगे स्नैपसीट एप्लीकेशन में ओपन। तो यहाँ पर स्नैपसीट एप्लीकेशन को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, और हमारा जो फोटो है वो स्नैपसीट एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है। गाइस, आपको यहाँ पर एक पेंसिल दिख रही होगी, तो इस पेंसिल पे आपको टाइप करना है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। और ये सारे टूल्स बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे ट्यून इमेज में, जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है। और ट्यून इमेज में आने के बाद गाइस, आप इसको ऊपर नीचे करना, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं ब्राइटनेस में, और इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, तो इस साइड आप इसको कम कर देंगे, ये माइनस में जा रहा है, एंड इस साइड ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कम करेंगे, तो थोड़ा सा इसको हम माइनस इतना रखेंगे। एंड अब चलते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट पे, तो कॉन्ट्रास्ट को गाइस यहाँ पर हम बढ़ा देंगे। तो इसके कॉन्ट्रास्ट को गाइस मैं इतना रखूँगा, एंड जो सैचुरेशन है उसको हल्का सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो हल्का सा ही बढ़ाएंगे। और जो एम्बियंस है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो थोड़ा सा एम्बियंस भी बढ़ा देंगे। और जो हाईलाइट है उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, और जो गाइस शेडोज़ है उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, और जो बर्न्स है इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा कम कर देंगे। और यहाँ पर गाइस आपको एक डन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको हम डन कर लेंगे। अब फिर से हम चलेंगे यहाँ पर पेंसिल में, और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर ट्यून इमेज का, तो हम फिर से इसको ओपन करेंगे। और इस बार आपको करने क्या है, सबसे पहले जाना है सैचुरेशन में, और जो इसकी सैचुरेशन है वो पूरी माइनस कर देनी है। और इसके बाद चलना है कॉन्ट्रास्ट में, तो इसका कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और जो ब्राइटनेस है इसको भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। और अब चलते हैं एम्बियंस में, तो एम्बियंस को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, एंड जो हाईलाइट है इसको भी हम कम कर देंगे, एंड जो शेडोज़ है उसको भी हम थोड़ा सा कम कर देंगे। और यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे। ठीक है, एंड अब आपको करना क्या है, जो हमने अभी ये इफेक्ट डाला है तो इसको हम रिमूव करेंगे मॉडल के फेस से एंड हैंड से। तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर एक अंडू वाला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, तो इस पर हम टाइप करेंगे, और व्यू एडिट्स में आएंगे यहाँ पर, जो ये चौथे नंबर का ऑप्शन है। और यहाँ पर हम ट्यून इमेज, जो ऊपर वाला ट्यून इमेज है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड अब ब्रश में आ जाते हैं, और जो इफेक्ट है इसको हम इन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। और जो ब्रश की साइज़ है उसको हम यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, तो जो पहले से ही ज़ीरो है, एंड अपनी फ़ोटो को जूम करेंगे। ठीक है, फ़ोटो जूम करने के बाद गाइस इसको सिंपली आप इस तरह से ब्रश करेंगे, तो ये मॉडल की फेस से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ोटो को पहले जितना आप जूम कर सकते हो उतना जूम कर लेना, और इस तरह से हम इसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, सो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर इसको इरेज कर लिया है। अब थोड़ी सी इसकी हम ओपेसिटी यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो इसको 50 कर देंगे। और अब फोटो को जूम करना है, और जो मॉडल की हेयर है इन पे से भी गाइस हम इस इफेक्ट को यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, और फोटो को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, तो और अच्छे से होगा ये। एंड अब हम अपनी फ़ोटो को डन कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम इसको डन कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको ये एक बैक का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम बैक कर देंगे। और अब आ जाते हैं, अब फिर से आपको पेंसिल वाले आइकन पे जाना है, और यहाँ पर गाइस आपको करना क्या है, जो ये वाइट बैलेंस वाला ऑप्शन है यहाँ पर, जो चौथे नंबर का टूल है, इस पर टाइप करना है। और इसको क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर टेम्परेचर और टिंट देखने को मिल जाता है, तो सबसे पहले इसका हम टेम्परेचर कम कर देंगे। ठीक है, तो इतना इसका हम टेम्परेचर कम कर देते हैं। और जो टिंट है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे। ठीक है, और टेम्परेचर थोड़ा सा और कम कर देते हैं, टिंट थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमारी फ़ोटो में एक ब्लू इफेक्ट आ चुका है, एंड इसको हम डन कर लेंगे। लेकिन जो हमने ये ब्लू इफेक्ट अपनी फ़ोटो में डाला है, इसको हम रिमूव करेंगे मॉडल के फेस एंड हैंड से। तो वही स्टेप है, आपको यहाँ पर अंडू पे आना है, व्यू एडिट्स में आना है, और फिर से यहाँ पर आपको वाइट बैलेंस सेलेक्ट करना है, और ब्रश पे आना है, और इसको इन्वर्ट कर देना है। और फिर बस इसका जो ऑपोसिटी है, मतलब ब्रश का जो साइज़ है, उसको आपको यहाँ पर ज़ीरो कर देना है। ठीक है, इस साइड से गाइस इसको आप बढ़ा लेना, एंड इससे आप इसको कम कर देना। कम करने के बाद गाइस इसको हम फिर से इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो इस बार हम मॉडल के फेस से ही इरेज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फिर से इसको इरेज कर लेना।
सो गाइस यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिमूव कर लिया है, पर जो जहाँ ये बैकग्राउंड है यहाँ पर गाइस ये गलती से यहाँ पर इरेज हो चुका है, तो इसको हम बिल्कुल वैसा ही कर देंगे। ठीक है, तो इसको पहले 100 कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पर देखिए इस तरह से ब्रश कर देंगे, तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। ठीक है, एंड इस चीज़ को हम डन कर लेंगे और यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो गाइस हमारी फोटो में एक ब्लू इफेक्ट आ चुका है, अब इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे क्योंकि हमें अपनी फोटो में डार्क एंड ब्लू इफेक्ट चाहिए, थोड़ा सा ब्लैक भी होना चाहिए। तो फिर से चलते हैं पेंसिल में, यहाँ पर गाइस हम विंटेज में आएंगे और ये जो 12 नंबर का इफेक्ट है इसको हम अप्लाई कर देंगे, और जो इसका बिगनेट है इसको हम गाइस कम कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे इतना। ठीक है, एंड जो इफेक्ट है इसको भी हम थोड़ा सा कम कर देंगे, तो इसको भी हम इतना रखेंगे। ठीक है, 10 के आसपास, और इस चीज़ को हम डन कर लेंगे। और डन करने के बाद गाइस फिर से एक बार हम पेंसिल पे जाएंगे और आपको यहाँ पर सेलेक्टिव का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और ये गाइस हम मॉडल के फेस पर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके मॉडल के फेस पर रखना है और मॉडल की जो फेस की जो ब्राइटनेस है उसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, बस इतना बढ़ाना कि ये ना फेक लगे और अच्छा भी हो जाए। तो इसके कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे एंड स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड यहाँ से डन कर लेंगे। तो गाइस हमारा फोटो जो है वो एडिट हो चुका है, अब इसको आप सेव कैसे करना है, आपको यहाँ पर डन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना और ये फोटो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।